हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को जल्दी जल्दी कैसे चलना सिखाएं। ईशान लगभग 11 मंथ में चलने लग गए थे और 12 मंथ में अच्छे से चलने लग गए थे। अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं चल रहा है तो आप ये ट्रिक्स जरूर फॉलो करिए। मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो बच्चा आपको बहुत जल्दी चलने लगेगा। एक मैंने मसाज का भी वीडियो बनाया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बच्चों की मसाज बहुत ज़रूरी है उनको चलाने के लिए, तो मसाज आप उस तरीके से करेंगी तो बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख जाएगा। बाकी कुछ ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की हैं ईशान पे उसको जल्दी जल्दी चलाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक्स रोज़ उसको 8 से 10 बार ट्राई करेंगे तो वो 10-15 दिन में अच्छे से चलने लग जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि वो स्टेजेस क्या हैं जब हमें पता लग जाए कि हमारा बच्चा अब चल सकता है या चलने के लिए वो रेडी है। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है यहाँ पे वो है कि बच्चा आपका किसी भी चीज़ के सहारे अब आराम से उसको पकड़ के खड़ा हो सकता है। तो ये पहली स्टेज होती है जिससे कि बच्चे की चलने की आगे और स्टेजेस आती हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जब बच्चा चलना सीखता है। जो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसमें बच्चा चीज़ को, किसी भी चीज़ को, बेड, सोफ़ा, टेबल, कुछ भी पकड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। ये नेक्स्ट स्टेज होती है कि जिसमें बच्चा अब चलने की कोशिश करने वाला है और इसमें आपको उसका इंटरेस्ट जगाना है कि वो चीज़ों को पकड़ पकड़ के आगे बढ़े। इसमें आपको कोई भी उसको टॉय देना है, कुछ भी उसके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ देनी है जिससे कि वो आगे बढ़े, और ये चीज़ें आपको उसके साथ कई बार करनी है दिन में जिससे कि वो इस तरीके से चलना सीखे। अब नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि बच्चा अभी इंडिपेंडेंट खड़ा होने लगेगा। वो अपने हाथों से बैलेंस बना के अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, खड़े रहने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेज में बच्चा अब हमारा चलने के लिए रेडी है। बस आपको थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बताऊँगी आगे, वो सारी करके आप बच्चे को चला सकती हैं आसानी से। नेक्स्ट आपको करना है, कुछ टॉयज आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो वो परचेज कर सकती हैं। किसी भी चीज़ की हेल्प से इस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट चलने के लिए छोड़ना है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ के आगे बढ़े। तो उसको क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वॉकर भी दे सकते हैं। मैंने ईशान को 9 मंथ में वॉकर दिया था और 10 मंथ में मैंने ईशान को वॉकर छुड़वा दिया था। उसके बाद ईशान ने खुद से चलने की कोशिश की है और यहाँ पे ईशान 10 मंथ के हैं और वो चलने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ों को लगभग छोड़ के थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश भी करता है, आप यहाँ पे देखेंगे। और ये प्रैक्टिस मैं उसके साथ कई बार करती थी दिन में, मैं उसको इस तरीके से छोड़ती थी, भले ही 1 या 2 कदम वो आगे बढ़ाए लेकिन वो बढ़ाए खुद से, जिससे कि उसको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब मैं आगे कदम बढ़ा सकता हूँ। तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं बच्चे के साथ। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगी तो बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा चल सकता हूँ। जो आप सबसे पहला ट्रिक्स कर सकती है बेबी के साथ में वो यहाँ पे है। बेबी को आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए उसका आगे बढ़ने में, उसको इस तरीके से क्लैप करके या कुछ भी अच्छा सा दिखा के, उसके साथ खेल के उसको आगे बढ़ने के लिए उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि हाँ वो आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ईशान के साथ कर रही हूँ और मैं उसको क्लैप करके बताती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, इस तरीके से करके मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। और जब भी मैं फ्री होती थी ईशान के साथ में इस तरीके की प्रैक्टिस करती थी जिससे कि ईशान ने बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहने हैं बच्चे के साथ, आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने लगेगा इन सब प्रैक्टिस के थ्रू। ईशान का जो चलना स्टार्ट हुआ था उस टाइम बहुत ठंड थी, इसलिए थोड़ा ईशान और लेट हो गए हैं, वरना और जल्दी उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती। नेक्स्ट आपको करना है कि आपको इस तरह से बच्चे को पीछे से पकड़ना है और उसको आगे चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आगे सामने उसके रख दीजिए जिससे कि वो वहाँ तक चल के जाना चाहे, क्योंकि कुछ बच्चे चलना ही नहीं चाहते बिल्कुल, जैसे ही आप उनको खड़ा करेंगी वो बैठ जाएंगे। लेकिन आपको उसे इनकरेज करना है आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चा 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप उसके साथ 10 से 12 बार ये प्रैक्टिस करिए, वो आगे बढ़ेगा और वो बहुत जल्दी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ अब मुझे चलना है। चलना ज़्यादा आसान है घुटनों के बल चलने से, जो पैरों के बल चलना है वो ज़्यादा आसान है। इस तरीके से उसके साथ प्ले करिए, आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने लगेगा। और इस वीडियो में ईशान 10 मंथ के हैं और मैं ये उसके साथ जो एक्टिविटीज़ करती रहती थी अक्सर, उसकी वजह से ईशान ने इतनी जल्दी चलना स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं ईशान को बुलाऊंगी और लगभग ईशान 2 या 3 कदम चल के और मेरे पास पहुँचेंगे। तो ये चीज़ें बच्चा दिमाग में रखता है कहीं ना कहीं कि हाँ अब मैं चल सकता हूँ। इस चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके साथ तो वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा।
और एक चीज़ और याद रखनी है, वॉकर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देना है। अब 10 मंथ इनफ है बच्चे के लिए वॉकर देने के लिए। 10 मंथ के बाद आप उसका वॉकर छुड़वा दीजिए, क्योंकि बच्चा अगर सपोर्ट से चलने लग जाएगा तो फिर वो खुद से चलने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप उसको वॉकर 10 मंथ्स में छुड़वा दीजिए, 8 मंथ में आप उसे वॉकर दे सकती हैं। कोशिश ये करिए कि बच्चा जब भी चलने की कोशिश करे तो वो नंगे पैर हो, कुछ भी सॉक्स वगैरह पहने ना हो, तो उसकी जो ग्रिप होगी ज़मीन में वो बनी रहेगी। और बच्चों की मसाज बहुत ज़रूरी है, तो आप अच्छे से मसाज करते रहिए, आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने लगेगा। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।